Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our next topic is English in Pakistan, lesson number 5. English in Pakistan mein Pakistan jo hai wo ek multilingual aur multicultural country hai. Pakistan mein mukhtalif zubane boli jati hain, mukhtalif isme culture hain. तकरीबन 72 ज़बानें जो है पाकिस्तान में बोली जाती हैं, जिसमें से 6 जो है वो इलाकाई ज़ुबान है, जिसमें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सरायकी, उर्दू और बलोची हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि उर्दू बोलने वाली है। 58 दूसरी ज़बानें भी हैं, लेकिन इसमें एक हमारे पास जो हमारी कौमी ज़बान बोलने वाले तो वो तकरीबन 11 मिलियन लोग हैं जो इस ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक 11 मिलियन, एक अंदाज़े के मुताबिक 26 मिलियन ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक पास हैं और वो थोड़ा बहुत इंग्लिश को समझ सकती हैं और वो बोल लेती हैं। आगाज़ में ये हुआ कि बिगनिंग में ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अहम सेक्शन था, एक ग्रुप था जो उर्दू बोल सकता था, उर्दू को समझ सकता था, उर्दू को एलैबोरेट करता था और उर्दू इनकी अहम ज़ुबान समझी जाती थी। यानी वो ब्यूरोक्रेटिक एक ज़ुबान थी जो उर्दू बोलते थे, वो ब्यूरोक्रेसी का ग्रुप था जो उर्दू बोलते थे, समझते थे और वो आगे उसको नेक्स्ट फर्दर लेके जाते थे। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया गया, क्योंकि इन्हें उर्दू बोलने वालों को ये लगता था कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जो पंजाबियों का रवाज ज़्यादा पंजाबी इस पर हावी हो जाएंगे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को जो है वो ज़वाल शुरू हो गया। लेकिन ऐसा सा लोगों ने उर्दू और इंग्लिश को सीखना शुरू किया और लोकल ज़बान को कम फोकियत दी। यानी उन्हें समझ लगी कि उर्दू और इंग्लिश जो है वो बोलने वाली ज़ुबानें हैं, ज़्यादा बोली जाती हैं और उनके स्पीकर्स भी ज़्यादा हैं, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़रोग हासिल होना शुरू हो गया। पाकिस्तान में इंग्लिश को हमेशा से ही फ़रोग रहा है, हत्ता कि उर्दू इतना इंग्लिश को फ़रोग है कि उर्दू भी इससे खुद खौफज़दा है कि इंग्लिश को इतना अरूज है। गो के इंग्लिश बोलने वाले कम लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बाअसर लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंग्लिश इन लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में इंग्लिश को हमेशा से इग्नोर किया गया है और इवन के उर्दू भी इससे खुद इग्नोर किया गया है। तकरीबन 1947 की पार्टीशन के बाद जब ये हमारी तकसीम हुई, तब इंग्लिश को सपोज किया गया कि वो सरकारी ज़ुबान ना बन जाए और इंग्लिश इसकी जगह पर उर्दू को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों के पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई तो अंग्रेज़ों की अजादारी थी हमारे पास, इसलिए वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा अबूर हासिल था। पाकिस्तान की जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई 1947 में, उसमें उर्दू को डिसाइड किया गया कि ये कोई स्पेशल लैंग्वेज है, इसको मराहत दी गई, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश को ज़्यादा फोकियत थी। इंग्लिश उर्दू को सिर्फ एक एंटी एथनिक सेंट्रिक और आइडियालॉजी का सिंबल, यानी एक नज़रियाती असास के तौर पर कहा जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। ज़्यादातर वहाँ पर जो हावी ज़ुबान थी वो इंग्लिश थी, इंग्लिश को ज़्यादा फोकियत थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हमारे अंग्रेज़ हुक्मरान थे, ब्रिटिश जो सारे रूलर्स थे हमारे, तो वो इंग्लिश को ज़्यादा फ़रोग था। उसके बाद फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 1959 में हुई, इसमें भी बहुत कम तब्दीलियाँ हुई, इंग्लिश को भी ज़्यादा अहमियत दी गई, इंग्लिश उर्दू हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर रही। 69 में जो एजुकेशन पॉलिसी मोतब हुई, उसमें उर्दू को डिक्लेयर किया गया एज ए सरकारी ज़ुबान के तौर पर वेस्ट, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में और बंगाली ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू को एक सरकारी ज़ुबान के तौर पर माना गया, वहाँ पर ये बोली जाती थी। 1970 का जो एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ हदायत के ज़रिए हायर लेवल तक के लिए उसको इंग्लिश को सपोज किया गया सरकारी मकासद के लिए। जब हमारा एक आइन बना 1973 का, 1973 का आइन, उसमें ये कहा गया कि इंग्लिश हमारी जो है नेशनल ज़ुबान जो है वो हमारी उर्दू होगी और उर्दू को ही सरकारी ज़ुबान के तौर पर 15 साल तक इस्तेमाल किया गया। नेशनल पॉलिसी 1979 में ये लिखा गया कि इस्लामिकाइजेशन और उर्दूजेशन एट एवरी एजुकेशन लेवल, हर पे वो उर्दू और इस्लामी ही रहेंगी।
قوانین آتے گئے اور بدلتے گئے، پالیسیز آتی گئی، ایجوکیشن کی تبدیل ہوتی گئی۔ جب 1989 کی ایجوکیشن پالیسی ہوئی اس میں نئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی، اس نے انگلش کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ متعارف کروایا، یعنی گریڈ ون سے انگلش جو ہے وہ کمپلسری لینگویج بن گئی اور باقی جو اردو تھی اس کو اگنور کر دیا گیا۔ ایجوکیشن پالیسی 1992 جب ہوئی اس میں یہ جو ہے انگلش کو ہی میڈیم آف انسٹرکشن سائنس اور ٹیکنیکل سبجیکٹس کے لیے چوز کیا گیا۔ ایجوکیشن پالیسی 2009 جب آئی تو اس میں بھی جو ہے وہ پروموشن انگلش کو ہی کیا گیا، پروموٹ کیا گیا اور اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے گریڈ ون سے ہائر لیول تک، میتھمیٹکس اور سائنس جو ہے وہ بھی انگلش میں ہی پڑھائے جائیں گے۔ لینگویج پلاننگ، پاور اینڈ آئیڈیالوجی۔ لینگویج پلاننگ ایک سسٹمیٹک زبان کا استعمال ہے، یہ زبانوں کی پہچان، ان کے افعال اور اسٹرکچر کو لوگوں کے رویے سے اثر انداز کرنے کی والہانہ کوشش ہے۔ پاکستان میں بہت سے آفیشیل آرگنائزیشن ہیں جو لینگویج پلاننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس میں بلوچی اکیڈمی ہے، بروچی اکیڈمی ہے، پنجابی اکیڈمی ہے، کئی ایسی طرح کی اکیڈمیز ہیں جو لینگویج کو پروموٹ کرتی ہیں۔ آگے وٹ ڈو لینگویج لرن پلانرز ڈو، لینگویج کے جو پلانرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تین طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اسٹیٹس پلاننگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنس جو زبان کو دی جاتی ہے، یعنی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ زبان کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس وہ ڈیسیجن جو اسٹیٹ لے گا وہ زبان سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پلانرس کیا کرتے ہیں، ایکوزیشن پلاننگ ہے ان کی، یہ ریلیٹڈ ہے ٹیچنگ سے اینڈ یوز آف لینگویج سے۔ نیکسٹ کارپس پلاننگ ہے، یہ انکلیوڈ کرتی ہے زبان میں کتنا بہتر ہوا اور زبان میں کس طرح کی تبدیلیاں آئیں، ڈیسیجنز جو پالیسی ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس طرح کی اس کی پلاننگ کو کرتے ہیں اور وہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ سچویشن ان پاکستان، پاکستان ایک ملٹی لنگول اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک وہ ایسی ریاست ہے جہاں پر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت سے نسلی گروپ ہیں اور یہ جتنی بھی مائنارٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ ہر ایک کی اپنی زبان اور اپنی ان کا کلچر ہے۔ انگلش اور اردو کو یہاں پر ہمیشہ سے اہمیت حاصل ہے تاکہ جو زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کی سپرمیسی ہے، لیکن رحمان یہ کہتا ہے کہ انگلش ایک سمبل بن چکی ہے، ہماری زبان جو ہے وہ ایک ہماری جو اردو زبان ہے وہ ہماری پہچان ہے، اور اس بات کا ثبوت وہ ہمیں دیتا ہے کہ جو جتنی ہماری کتابیں ہیں، ہسٹری کی ہیں، سوشل اسٹڈیز کی ہیں، پاکستان اسٹڈیز کی ہیں، وہ ساری اسلام کے بارے میں، وہ اردو کے بارے میں، وہ ہمیں ہمارے ماضی کو بتاتی ہیں۔ اور یہ اس چیز کو کا حوالہ ہے کہ جتنے ہمارے جو اسکالرز ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے جب یہ زبان کی جتنی بھی تحریکیں چلیں تو انہوں نے اس بات پر ان کا زیادہ تھا کہ ہماری جو زبانیں ہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام، ہمارے اردو کو ہی زیادہ پروموٹ کرتا ہے، ہماری پروموشن جو ہے زبان کی وہ اردو کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں انگلش جو ہے وہ ایک جو ویسٹرن مغربی اقدار کو لے کے چلتی ہے، اس کو شو آف کرتی ہے، لیکن پاکستانی جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہماری اردو زبان ہے اور اسی کو ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ لینگویج کو بہت، لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ، اس کو زبان کو بہت سے، زبان کو لاگو کرنے میں، اس کی پلاننگ کرنے میں، اس کی پالیسی میں بہت سے ایشوز مد نظر ہوتے ہیں، بہت سے سامنے آتے ہیں، ان میں زیادہ ایڈیشنل فیکٹر جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کی آپس میں کوئی سیاسی اتار چڑھاؤ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی مسائل ہیں اردو اور انگلش دونوں کو جو فیس کرنے پڑتی ہیں۔ ایون کہ ضیاء جو ایفرٹس ہیں اس کو، وہ کہتا ہے کہ اسلامائز ایجوکیشن نے، جب ہم اردو کو اسلامائز کرتے ہیں، اس مطلب اردو ہماری ایک اسلامی زبان ہے، تو اس کو اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ انگلش کو روٹ آؤٹ کرے، انگلش کو نکالے، لیکن چونکہ انگلش کے گراؤنڈز یہاں پر بہت زیادہ ہیں تو ہم اس کو اس پہ کامل نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ وہ بتاتا ہے کہ کرائیٹیریا کیا ہے اس کے، ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لینگویج اس کے لیے کیسے ہیلپ فل ہوتی ہے، لینگویج ایکوائر کرتی ہے نالج، کمیونیکیٹ کرتی ہے کلیئرٹی کے ساتھ، آبجیکٹیویٹی کے ساتھ، اسٹیمولیٹ کرتی ہے کریٹیکل تھنکنگ اور آبجیکٹیویٹی کو۔ نیکسٹ ہے کہ کیا انگلش یہ سارا کرائیٹیریا فلفل کرتی، ایک کلیئر اور ایجوکیشن پالیسیز میں ایک کلیئر اور پریکٹیکل لینگویج جو ہے وہ پروموٹ ہونی چاہیے
जो एक गेटवे बने ज़ुबान तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, ना कि वो सिर्फ़ एक खाली अल्फाज का, एक होलो वर्ड्स का डिस्प्ले हो। इंग्लिश है या उर्दू है, वो दोनों और जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस है ना, वो वेल डिफाइंड करें कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को, पीपल के, लोगों के कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को अक्रॉस अवर पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में उसको, वो यानी ऐसी ज़ुबान होनी चाहिए जो लोगों के कल्चर को प्रमोट करे, उसको वेल डिफाइंड करे। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान, इंग्लिश हमेशा से एक अच्छी ऑफिशियल तालीमी और सरकारी ज़ुबान रही है। इसने हमेशा से यहाँ पर प्रिविलेज हासिल की है पाकिस्तान में, बल्कि बाकी ममालिक में भी ये एक डोमिनेंट फैक्टर रहा है ज़ुबान के इस्तेमाल में। प्राइमरी कंडीशन जो है, इवन के पाकिस्तान में प्राइमरी जॉब या प्राइमरी कंडीशन की जो जॉब है उसको हासिल करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी की, मिलिट्री, बिजनेस की, लॉ की, मीडिया की, मल्टी नेशनल कंपनीज़ की, एजुकेशन की, जो भी जॉब्स हैं उनका एक गेट वे जो है ना वो इंग्लिश है। इंग्लिश को वो ग्रिप करेंगे देन दे गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इंग्लिश को लो पेड जॉब्स हैं उनके लिए भी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी बहुत ज़रूरी है, और एट लीस्ट इन राइटिंग में जो है वो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एजुकेशन में है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है वो होम इकोनॉमिक्स में है, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन भी हमारी इंग्लिश है, और हायर एजुकेशन में जाने के लिए एंट्री टेस्ट के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए इंग्लिश कंपलसरी है। ये हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है, इंडिविजुअल लेवल पे या नेशनल लेवल पे इंग्लिश को इम्पोर्टेंट सोर्स समझा जाता है, तभी ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करती है जो कि ग्लोबल चैलेंजेस के साथ कोप कर सके, उनका सामना कर सके और उसको पूरा कर सके। इंग्लिश हमारी बहुत अहमियत हासिल कर चुकी है, ये कैपिटल इंग्लिश के, ये बहुत ज़रूरी हो चुकी है इसको ग्रिप करना। इसके ज़रिए ही जो है वो प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली पाकिस्तान में आ सकती है, जितने भी अदारे हैं क्योंकि वो इंग्लिश को बहुत अहमियत देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, इंग्लिश जो पाकिस्तान में है ना वो एजुकेशन सिस्टम सेम नहीं है, डिफरेंट है। कई पब्लिक स्कूल हैं तो वो कुछ और है, प्राइवेट अदारों में कुछ और है, मदरसा में कोई और सिस्टम है, तो ये मुख्तलिफ जगहों पर जाना डिवाइड हुआ है। HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन वो किसी और प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करती हैं, तो इस तरह ये मुख्तलिफ इसके बाद वो नेक्स्ट इंग्लिश और उर्दू को भी डिवाइड किया हुआ है, इंग्लिश मीडियम और पढ़ा रहे हैं, उर्दू मीडियम और पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसको रूरल में, शहरी और देहाती स्कूलों में भी डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट इनके डिवीजन स्कूल्स में है, 5 कैटेगरीज हैं जिसमें अलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत अमीरों के स्कूल हैं, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल जिसमें आज इनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल रन बाय द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी जिनको संभालती है उनका भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, स्टेट स्कूल है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को वही ज़्यादा संभालती है, उनकी इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती और उर्दू उनकी मीडियम ज़ुबान है। इसके अलावा नॉन इलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ये भी अदारों को सर्व करते हैं, इनमें भी इंग्लिश ही एक ज़ुबान होती है अपर क्लासेस को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा मदरसा है, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये मुख्तलिफ होते हैं और ये भी जो है ना हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं।